महाराज की जय। सनो विभ्रशे मही देवहित जदा शतमिन्नो शरदो यन्ति चक्राजर सन्तनो नाम मुद्रासो जतरो भवन्ति मानो विचारीरिगता जुर्गन्तो हरे गौनपादी काशान भिन्ननोर्भिः भिन्नवानः पूर्वस्व भगवते सांसदाशिवाय नमः। शिवपरिवारार्थिवद्गङ्गराजाः माधुर्योरस्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। भगवते सांसदाशिवाय नमः। मनुस्नानं समर्पयामीः पुनः शुद्धोदकस्नानं वः शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम् अवलिप्ता रौद्रा नमो रूपाः वार्धन्याः। भगवते सांसदाशिवाय नमः। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड
अखण्डम् प्रकृष्टम् प्रगलभम् वर्षम् अखण्डम् अजम् बाणकोटि प्रकाशम् जमेर लगा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलसिं सिंधुं कुरुः ॐ भूर्वः स्वः पया स्नानं महः समर्पयामीः शुद्धवानः सर्वशुद्धवानो मणिवानस्तास्मिनः श्वेताः श्वेताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णधामा अवनिता रुद्रा नमो रोगाः पार्जन्याः हरे ओं मा सहस्रशेरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रभो विद्वं सर्वसुतवा यदुत्सहं गोरां माम गुर्वस्व श्रीभगवते सांसदा शिवाय नमः सर आज इसके बारे में बोलिए। आज जैसा कि हम जानते हैं श्रावण मास की अमावस्या है, हरियाली अमावस्या, और परंपरागत प्रत्येक वर्ष की तरह पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है उसको लेकर हम दक्षिणावी अठारहसी नगर से इस ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में आए और यहाँ पर शक्तिकाओं का पूजन हुआ, शिव जी का पूजन हुआ, उसके पश्चात अभिषेक किया गया, नीचे गौरी शंकर गौरीकुंड में जाकर हमने पूजन किया और कल जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में हम पूजन करेंगे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो शंकराचार्य मंदिर है ये अति प्राचीन है और ऐसा मत है कि ये ईसा पूर्व 2629 से लेकर 2564 ईसा पूर्व ये राजा सांदीमन ने इस मंदिर को बनाया और उसके बाद समय के साथ साथ इस मंदिर ने अनेकों उतार चढ़ाव, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीर जो है वो क्विक प्रोन एरिया है, यहाँ भूकंप से कई बार इस मंदिर को क्षति हुई, तो विभिन्न जो राज्य थे राजा थे यहाँ के उन्होंने इसको ठीक करवाया। आज जैसे इस बार देखने हैं अभी फिर से इसका इसको दुरुस्त किया जा रहा है। अंतिम बार जो नीचे दुर्गा नाग मंदिर में थे महात्मा शिवरत्नानंद जी, उन्होंने एक नेपाली महात्मा के आग्रह के ऊपर इसका जो डोम था वो उसको दुरुस्त करवाया। कहते हैं कि जब ये सबसे पहले बना मंदिर जिसकी मैंने अभी चर्चा की लगभग 65 वर्ष के शासनकाल में सांदीमन जो राजा थे 2629 से लेकर 2564 तक लगभग 65 वर्ष उनका शासनकाल था, उस समय जब ये मंदिर बना तो इसके अंदर स्वर्ण और रजत की आकृतियां और मूर्तियां स्थापित की। तो आज का दिन का जो महत्व यही था कि आज हम शिव और शक्ति स्वरूप में छड़ी मुबारक को यहाँ लेकर आए और हमने